खवातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना एसएम कुरैशी। नाज़रीन हाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, शहंशाह गज़ल मेहंदी हसन साहब एक बहुत बड़ा नाम है। आज हमारे भावलपुर में एक तकरीब का इनेकाद किया है, जिसके रूह रवाना है हमारे सैयद ताहिर अली शाह साहब और मेहंदी हसन साहब के भांजे, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। ये दूसरी बार भावलपुर में आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों की पुरजोश अपील के बाद। तो मैं गुजारिश करूंगा कि मुस्तफ़ा मीर साहब से कि इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जी मुस्तफ़ा मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैं मशगूल हूँ लोकवीर आर्ट प्रोडक्शन के चेयरमैन सैयद ताहिर अली साहब और पंजाब आर्ट्स काउंसिल भावलपुर के अहदेदारान सज्जाद हुसैन साहब और तमाम भावलपुर की आवाम का मशगूल हूँ कि मुझे एक मरतबा फिर खिदमत का मौका दिया है और मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार से मिल रहे हैं, मुझसे प्यार मोहब्बत से मुझे सुना है, मेरी हौसला अफजाई की है। मैं तमाम भावलपुर की आवाम का मशहूर हूँ और ख़ास तौर पर एसएम कुरैशी साहब की हमारे लिए बहुत रहनुमाई है, इनका मशहूर। ये आपकी ज़रा नवाजी है कि आपका एक बहुत बड़ा नाम है, बल्कि हमारे चैनल के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि आपने अपने कीमती वक्त में से बहुत सा वक्त निकाला, क्योंकि हमारे सैयद ताहिर अली शाह साहब लोकवीर सा आर्ट प्रोडक्शन बहावलपुर के रूह रवा है और इन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं। मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप कुछ कहना चाहेंगे सैयद ताहिर अली शाह साहब। मोहम्मद जी, मैं ये चेक कहना चाह रहा था कि लोकवीर सा आर्ट प्रोडक्शन बहावलपुर जो है ना, इसके हवाले से बहावलपुर में इस तरह के मौसीकी के प्रोग्राम होते रहने चाहिए ताकि लोगों को तफरी मुहैया होती है, और इंशाल्लाह ये कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो मुस्तफ़ा मीर साहब, आपने प्रोग्राम किया और आवाम ने भी बहुत आपको अप्रिशिएट किया, तो आप इस प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इस प्रोग्राम के बारे में ये कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में मुझे बहुत मोहब्बत मिली है, बहुत प्यार मिला है। गाने का जहाँ तक ताल्लुक है, शहंशाह गज़ल महमूद मेहंदी हसन जैसा गा गए वैसा तो हम कयामत तक नहीं गा सकते। उनके छोड़े हुए सबक को हम लेकर चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनके नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान आवाम की खिदमत करें। और भावलपुर की आवाम ने बहुत प्यार दिया है, मुझे बहुत प्यार से सुना है, बहुत खुलूस से सुना है। मैं मशहूर हूँ तमाम भावलपुर की आवाम का और पूरे पाकिस्तान का। आपसे सवाल है कि आप कोई मैसेज देना चाहें पूरे पाकिस्तान के फनकारों के लिए, जो सिंगर हैं, जो म्यूजिशियन हैं, बाजे वाले हैं, तबले वाले हैं, क्योंकि हमारे भावलपुर में बहुत से नामवर लोग हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बस उनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये काम समंदर है, सारी ज़िंदगी नहीं आता, तो जितना भी हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, मेहनत करें, रियाज करें, प्रैक्टिस करें और अच्छे साथ से सीखें। मेहरबानी मुस्तफ़ा मीर साहब, आपने इतने अच्छे लफ्ज़ों से हमारे भावलपुर को सराया, मैं आपके काम को और आपको सलाम करता हूँ। मेहरबानी, शुक्रिया, और नाज़रीन से भी गुजारिश है कि इन जैसे बड़े कलाकार, बड़े फनकार को सुनना चाहिए, क्योंकि इंसान जब तक जिंदा है सीखता रहता है, इसकी कोई मंजिल नहीं है। बहुत से बड़े बड़े नाम हैं, खान साहब का नाम है, मैडम नूर जहाँ का नाम है, ये वो नाम है कि जो कभी खड़ा पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उनकी याद कभी हमारे दिलों से नहीं जा सकती। शुक्रिया, मेहरबानी, पाकिस्तान जिंदा।